देखते हैं कि आई एम श्योर कि यहां पे आपको पता होगा कि हाउ टू सी दी ऑफ दी टू और थ्री प्लैनेट्स इन टर्म्स ऑफ टी मनाडी उनकी जो ग्रामर है जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है आई एम जस्ट पुटिंग फ्यू थिंग्स ऑन व्हाइट बोर्ड इसको रिलेट करके एक बार कोशिश करेगा प्लीज जस्ट डू दैट क्या आपके पास चार्ट आ रहा है क्या आपके पास व्हाइट बोर्ड आ रहा है यस सर राइट सो आई एम मेकिंग दर वन बॉक्स वी आर मेकिंग ए साउथ इंडियन बॉक्स हेयर सर साउथ इंडियन मत बनाना वाया मैं कि साउथ इंडियन इंटेंशिली मैं साउथ इंडियन बना रहा हूं क्योंकि बिगड़ोंदी के आपको मैक्सिमम रूल जो है साउथ इंडियन के स्टाइल में लिखे पाए जाएंगे और एक बार आप ये समझ लेंगे तो ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा फॉरेवर ये आपके लिए आसान हो जाएगा समझ लेंगे नहीं समझता एक बार समझ जाएंगे या तो ये आपको इजी हो जाएगा फॉर एवर बारह हमारे कॉलम होते हैं एक दो तीन चार बीच में कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो इसके साउथ इंडिया में जो फर्स्ट होता है वो दिस इज फर्स्ट राशि एक्चुअली साउथ इंडिया में देखी जाती है साउथ इंडियन सिस्टम के अंदर राशि से स्टार्ट होता है दिस इज एरीज दिस इज तौरस दिस इज जैमिनी हम राशिज लिख रहे हैं हम हाउसेज नहीं लिख रहे हैं यहां पे प्लीज अंडरस्टैंड दैट फाइव सिक्स सेवन एट स्कॉर्पियो से दस ग्यारह बारह नाउ यू नो डैट जो राशि के अपने अपनी अपनी डायरेक्शन है तो ये राशि ईस्ट दिस इज ऑल्सो ईस्ट एंड दिस इज ऑल्सो ईस्ट राइट दिस, दिस इज वन सेट पे मैं कलर चेंज कर देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर सेकेंड नंबर राशि सेकेंड नंबर राशि किसको बोलते हो आप साउथ स नो आई एम नॉट गेटिंग यू साउथ क्या मैं ठीक लिख रहा हूं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तीन नंबर राशि वेस्ट 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 चार नंबर राशि नॉर्थ नॉर्थ क्या ये रूल सबको पता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये रूल नहीं पता नहीं पता है सर कौन बोला टू सिक्स सुधीर जी आप आप क्या रहे हो South. जी सर टू सिक्स द रूल इज द ट्राइन के अंदर जितने प्लेनेट होते हैं वो एक ही राशि के होंगे अच्छा सर अच्छा जी 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 If you see one five that, nine two six one five nine two six ten. आपने यहाँ पे लिख दिया इनको east. जी जी. ये देखो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया east. East. जी. East. ठीक है जी यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं. ये आ गया उसके बाद आ गया south. South. ठीक है जी. अभी south को अगर हम लेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा. ये कुछ ऐसा बनेगा ठीक है जी प्राइम जी अगला ले लेते हैं वेस्ट सेवन इलेवन वेस्ट एंड दिस इज वेस्ट ये बिगनंदी का नाड़ी का रूल है ग्रामर का एक पार्ट है ये इसमें और भी ग्रामर है जिसको ग्रामर ये आइडिया है उसको अच्छी बात है जिसको आइडिया नहीं है प्लीज गेट सम आइडिया वो लोग बिगड़ी का बेसिक को कनेक्ट करेंटेंट है ये वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है तो है। है, आ, है जो 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 जो। है। ये बिग्रंथी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली काम करेंगी इसको मैं अभी दिखाता भी हूं और दूसरी तरीके से कैसे इसको देखेंगे हम नॉर्थ नॉर्थ एक बार ये बना देते हैं नॉर्थ इसको कनेक्ट किया हमने चार आठ बारह चार आठ बारह कनेक्ट हो गया अब आप इसको इस बात से ऐसे समझे यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये एक मैंने एक लाइन खींची है एक लाइन खींची है क्या ये दिख रही है आप सबको यहां मैंने लिखा नॉर्थ तो यहाँ पे मेरा साउथ आया सही है जी ये तो यहाँ पे मेरा ईस्ट आया यहाँ पे मेरा ये वेस्ट आया तक बात ठीक है, क्लियर है। यहां पे कोई डाउट को? नहीं सर कि है किसी को ठीक है जी एक चार्ट लेते हैं एक चार्ट लेते हैं एक चार्ट के बाद वर्किंग करते हैं और चार्ट पे हम देखते हैं कुछ चीजों को कोशिश करते हैं निकालने की कैसे

फाइनलीगुनंदी नाड़ी जो नाड़ी और बिगुरु को नंदी और नाड़ी दोनों को जोड़ के राव साहब ने बिगुनंदी नाड़ी की रचना करी है द ग्रेटनेस ऑफ हिम चलिए यहाँ पे हम ईस्ट के अंदर यहाँ पे ईस्ट के अंदर अपने रखा मंगल हम यहां पे भी मंगल रख देते हैं समझ लेने के लिए इजी हो जाएगा ठीक है साउथ में हमने रखा यहां पे केतु तो यहां पे भी हम साउथ में केतु रख देते हैं समझने के लिए आसान हो जाएगा ठीक है इसके बाद वेस्ट में वे हमने रखा शनि वेस्ट में हम शनि रखा आपने यहाँ पे भी हम शनि देव को साथ साथ रख देते हैं समझने के लिए रहेगा इसके बाद हमने नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में रखा हमने सूर्य और बुध यहाँ पे हमने सूर्य देव और बुध नॉर्थ में तो यहाँ पे भी हमने रख दिए सूर्य देव और बुध तो सॉरी करेक्ट मी इफ आई एम समेयर रिटर्न लॉन्ग दिस इज ई दिस इज एम ई ठीक है जी इसके बाद हमने रखा शुकर ये एक जातिका की कुंडली है साउथ में शुक्रदेव आए हमने यहां पे प्लस किया साउथ में शुक्रदेव रख दिए। ठीक है जी क्या बाद हमने देखे रखे यहाँ पे राहु देव अगर केतु दो में है तो राहु कहां पे होंगे राहु उसके अपोजिट एट हाउस केतु अगर दो में है तो राहुदेव कहां होंगे एट हाउस एथ हाउस पे होंगे ठीक बात एक रखें I I देव को हमने रखा यहाँ पे शनि के साथ इजी होगा और बेटर हो जाएगा <coughs> शनि के साथ हमने रखा जोड़ने में आसानी होगी और यहाँ पे हमने रखी देव तो यहाँ पे हमने राहु रखे तो यहाँ पे राहु को हमने यहाँ लगा दिया लगा दिया क्या रहेगा हमारे पास चंद्रमा और गुरु रेखा है हमने चंद्रमा और गुरु को रखा है यहाँ पे गुरु गुरुदेव रेट्रो है तो साउथ में आ गया यहाँ पे चंद्रमा और गुरुदेव रेट्रो ठीक है जी लेट्स सी सम रूल्स है रूल ये है कि यहाँ पे हम एक चीज को डिफाइन करते हैं डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे हम इस बात को फीमेल चार्ट के अंदर इन फीमेल की शादी की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, विग्नंदी के माध्यम से हम देखते हैं हम वैदिक के माध्यम से हमेशा देखते आए हैं आज तक हम सब लोग वैदिक के ज्ञानी हैं, तो अब जरा यहाँ पे फीमेल के, के चार्ट में शादी की पॉसिबिलिटीज को देखा जाए ये चार्ट किसको समझ में नहीं आया एक बार यह समझ लेते हैं किसी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको चार्ट की क्लैरिटी नहीं आ रही हो तो मुझे बता दे मैं क्लियर कर देता हूं चार्टे ऑल आर क्लियर विद चार्ट ओके नॉर्थ okay. के अंदर सूर्य और बुध दो प्लेनेट यहां पे हैं नॉर्थ के अंदर साउथ के अंदर तीन प्लेनेट है शुक्र चंद्रमा और गुरु गुरुदेव रेट्रोगेट है वेस्ट के अंदर दो प्लैनेट हैं यहाँ पे शनि और केतु और ईस्ट के अंदर दो प्लैनेट हैं यहाँ पे मंगल देव और राहु देव ठीक है जी यहाँ पे बात आती है सूर्य देव साउथ में है और उनके आगे पीछे कोई प्लैनेट नहीं है क्या आप देख पा रहे हैं ये बात सूर्य के आगे पीछे कोई प्लेनेट देव पांच कौन से घर में छठे घर में बैठे हैं छठी राशि में बैठे हैं सूर्यदेव

ठीक है अभी देव यहां पे ईस्ट में है देव यहां पे ईस्ट में है और उनके अपोजिट जो है यहां पे शनि और केतु है जो कि उनके एनिमी प्लैनेट्स हैं शुक्र को कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही विघी का रूल लगा रहे हैं हम यहां पे शुक्र को कोई हेल्प नहीं मिल रही है शुक्र के आगे पीछे कोई प्लैनेट नहीं है और देव जब आगे बढ़ेंगे तो उनको वेस्ट के अंदर दो प्लानेट मिलते हैं शनि और केतु केतु जब उनको मिलते हैं शुक्र को और केतु वैसे भी रिवर्स चलते हैं आपको पता ही है रिवर्स चलते हैं और जब केतु को मिलते हैं तो केतुदेव जैसी आगे बढ़ेंगे सबसे पहले वो केतु केतुदेव और शुक्र जैसी आगे बढ़ेंगे और दोनों आपस में टकराएंगे विच इज अगेटिव फॉर दी मैरिज वन रूल इसी में तीन चार रूल देखते हैं ये हमें हम कर रहे हैं काम मैरिज uh, की पॉसिबिलिटी पे द रिमोट चांसेस फॉर गेटिंग मैरिड फॉर दिस फीमेल ठीक है एक बात दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं गुरुदेव को गुरुदेव यहाँ पे रेट्रो हैं गुरुदेव यहाँ पे रेट्रो हैं।, रेट्रो हैं जब रेट्रो के वो पीछे की तरफ जाते हैं तो राहुदेव से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे क्योंकि राहुदेव गुरु के बिल्कुल पीछे हैं और जब जैसी राहु देव से कनेक्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी जीव कारक के लिए मैरिज की सेकेंड पॉसिबिलिटी को भी वीक करते हैं थर्ड थिंग शनिदेव यहाँ पे कर्म कारक है शनिदेव यहाँ पे कर्म कारक है शनिदेव कर्म कारक का होके यहाँ पे केतु से कनेक्टेड पे। शनिदेव कनेक्टेड विद केतु, तो कर्म के अंदर केतु की ब्लॉकिंग हमने पहले अभी पढ़ा था कर्म ब्लॉकिंग इसलिए हमने पढ़ी थी पहले डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर हमने इसलिए पढ़े थे डेस्टिनी ब्लॉकर्स केतुदेव तो कर्म में ब्लॉकिंग जब आती है तो यहां पे ये योगिक विद्या दिखाती है ऐसा व्यक्ति योगिक हो सकता है ऐसा व्यक्ति ध्यान साधना कर सकता है उसमें मैरिज की पॉसिबिलिटीज को और डिफाइन कर और वीक कर देता है आगे बढ़ते हैं तीन रूल हो गए आगे बढ़ते हैं सूर्य प्लस बुद्ध सूर्य प्लस बुद्ध बुद। इस सेकंड टू सेटर्न सूर्य प्लस बुद्ध जो है सेकंड टू सेटर्न है जिसपे पार्शियल इफेक्ट आ रहा है गुरु का कैसे गुरुदेव साउथ में बैठे हैं साउथ से जब नॉर्थ में डालेंगे इफेक्ट तो पार्शियल इफेक्ट आ रहा है सूर्य और मरकरी जो कि डेस्टिनी मेकर हैं डेस्टिनी डेस्टिनी मेकर मेकर है लेकिन डेस्टिनी मेकर जो आ रहे हैं वो कर्म से होके आ रहे हैं और गुरुदेव का पार्शियल इफेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ी राहत मिलती है लिवलीहुड कमाने में ऐसे व्यक्ति जब पैदा हुआ होगा तो उसके फादर को अच्छा हुआ होगा उसके फादर के लिए लिवलीहुड कमाना आसान हुआ होगा लिवलीहुड के लिए ये केस बहुत अच्छा बनता है लेकिन हमें यहाँ पे देखनी थी जातक की शादी शुक्र और मंगल से दो से हम देखेंगे मंगल 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 की अभी बात करते हैं 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 पे पे आते हैं। मंगल देव बैठे एरीज, एरीज के अंदर और मंगल देव के आगे पीछे कोई प्लान नहीं है, आगे केतु है बढ़ेंगे अगेन दिस इज फोर्थ रूल मैरिज योगा को यहाँ पे दर्शाएंगे तो ऐसे केस के अंदर जो पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग मैरिज बिकम वीकर ठीक अभी और आगे बढ़ते हैं इसी चार्ट को और आगे बढ़ाते हैं शनिदेव यहाँ पे वेस्ट राशि के अंदर है शनिदेव यहाँ पे वेस्ट राशि में है और ईस्ट राशि में मंगल और केतु हैं उसके बिल्कुल अपोजिट तो मंग कर्म कारक और धे कर्म कारक और धे राहु केतु के एक्सेस में है कर्म कारक और धे राहु केतु के, के एक्सेस में तो कर्म धेय को कर्म करना भारी पड़ेगा कर्म करना भारी पड़ेगा क्योंकि दोनों ही प्लैनेट जो है ब्लॉकिंग एक्टिविटीज दर्शाएंगे और इंसान को शादी भी एक कर्म है जिसको कर पाने में दिक्कत तकलीफ आएगी और यहां से इंसान की नो मैरिज का योग बढ़ाएगा अब इंसान के लिए बेनिफिट क्या है यहाँ पे इस चार्ट के अंदर जब जुपिटर ये, ये, ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे कर्म कारक और धे कारक

जहां पे इन फीमेल के केस के अंदर इंजॉयमेंट ऑफ द लाइफ विद रिस्पेक्ट टू दी मैरिज इज गेटिंग वीकर अगेन बेनिफिट यहाँ पे कब आएगा यहाँ पे बेनिफिट जब आएगा जब जब गुरु जब गुरु गोचर करके जब गुरु गोचर करके प्रोग्रेशन के करके अपने 27वें साल के अंदर जब गुरु गोचर करके कर्म करके अपने 27वें साल के अंदर आगे बढ़ेंगे तो गुरु को बेनिफिट मिलेगा वहां पे एक पॉसिबिलिटी मिलेगी वो कैसे आएगी गुरु 27वें साल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मंगल देव के ऊपर आएंगे अगर आप गोचर समझ पाएंगे प्रोग्रेशन इन कितनों को लोगों को प्रोग्रेशन आता है भिग्रंदी का कैन यू प्लीज नो कितने लोगों को प्रोग्रेशन आता है कितने लोगों को प्रोग्रेशन आता है बिगड़ों का <laughs> प्रोग्रेशन का मतलब uh, प्रोग्रेशन का मतलब कि प्लेनेट को आगे बढ़ाना प्रोग्रेस करना नहीं, तो नुण नहीं, आता ओके इवन आई डोंट आई एम वेरी मच न्यू टू दिस सब्जेक्ट एक्चुअली सर आता है आता है धन्यवाद थैंक यू थैंक यू जुपिटर है नुपिटर घुमाना आता है आपको दर्शाने हाँ, हाँ, इस, दिश, की कोशिश करता हूँ ये देखिएगा ये गुरु है यहाँ पे एक्चुअली इसमें कम हो गया सर ये, 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 ये चार्ट में क्योंकि हम लोग डायमंड चार्ट से काम करता था अच्छा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी चीजें रब कर देता हूँ मैं ये जो लाइनें आएगी रब कर देता हूँ मैं थोड़ा साफ हो जाएगा। हम को जितना आप से पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा बिगनंदी में आएगी ये भी एक रूल है क्योंकि बिगनंदी का मैक्सिम आप जितनी भी बुक्स देखोगे जितनी भी एक्टिविटी देखोगे उसमें सबसे ज्यादा साउथ इंडिया चार्ट का यूज किया गया चलिए

का एक खत्म हुआ साल में तो यहां पे लिख दिया हमने। फिर बारह साल में दूसरा जुपिटर का राउंड खत्म हुआ या फिर बारह लिख दिया चौबीस हो गए ठीक है चौबीस पच्चीस छब्बीस और ये मंगल देव का गुरु का मंगल देव से गोचर में कनेक्ट या प्रोग्रेशन में कनेक्ट प्रोग्रेशन भी आता है ये प्रोग्रेशन का स्थिति है प्रोग्रेशन में गुरु देव का मंगल से कनेक्ट जब बनेगा तो एक पॉसिबिलिटी वहां पे क्रिएट करता है शादी की उस केस में शनि की स्थिति क्या होगी ये और देख लो आप शनि देव कहां पे होंगे देव यहां पे हैं शनिदेव का एक राउंड तीस साल का होता है शनिदेव का एक राउंड तीस साल का होता है अब शनिदेव जब ट्रांसिट टा, करेंगे जब प्रोग्रेशन में चलेंगे तो यहाँ पे तीस साल से पहले शनिदेव ढाई साल एक राशि में चलते हैं, ये हम सबको पता है तो ढाई साल पे शनिदेव अगर माइनस करेंगे तीस में से तो करीब सत्ताईस साल प्लस के ऊपर शनिदेव यहाँ पे पहुंचेंगे शनिदेव सताइस साल प्लस पे यहाँ पे होंगे तभी तीस साल पे वो अपनी राशि में यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे साढ़े सताइस साल के आसपास यहाँ पहुंचेंगे सर तो जब यहाँ पे गुरुदेव आएंगे सताईसवें साल में इस व्यक्ति के और यहाँ पे जब शनिदेव आएंगे इस व्यक्ति के इस व्यक्ति के जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है शादी की इस व्यक्ति की अदरवाइज ये नो no मैरिज योग को दर्शाता है कैसे पॉसिबिलिटी बनती है जब यहाँ से आते हैं शनिदेव तो यहाँ पे शुक्र के ऊपर जाते हैं शुक्र शादी का नैसर्गिक कारक प्लान है यहाँ पे शुक्र के ऊपर जाते हैं क्योंकि ट्राइन क्रिएट करते हैं और जब यहाँ पे आते हैं गुरुदेव मंगल के ऊपर आते हैं तो मंगल बाय डिफॉल्ट कारक है इसके ऊपर और लीडिस कुंडली है क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट कारक है तो यहां से कनेक्टिविटी क्रिएट करते, है, करते हैं ये एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं जहां पे यह दर्शाएगा कि इस जातक की शादी की पॉसिबिलिटी सताइसवें साल की उम्र में बनती है अगर ये पॉसिबिलिटी वहां पर क्रिएट हो जाती है तो ये शादी संपन्न होती है अदरवाइज ये नो मैरिज शादी का योग बनता है क्लियर एक चार्ट और लेते हैं हम ऐसे यहाँ पे इस चार्ट तक अभी किसी से कोई किसी कोई बातचीत करनी है तो कर सकते हैं सर जी वो, वो जो रोन आपने घुमाया वो तो नाइन हाउस में चौबीस साल होगा ना टेन हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है तो टेन राशि में बैठा है तो नाइन राशि में चौबीस साल होगा साल जीरो हो जाएगा ना यहाँ पेट हो गया जब यहाँ पे तो पच्चीस आएगा तो यहाँ छब्बीस आएगा यहाँ सताईस आएगा तो राइट यहाँ पे छब्बीस आएगा यहाँ पे सताइस आएगा तो भी ये एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा शादी की उस समय पे भी उसके भी दो कारण

हाँ 30 इयर्स कंप्लीट हो गए फिर एंट्री यहाँ पे आएगी यहाँ पे इसमें, यहाँ पे स्टाइस कर देते हैं इसको हम तब भी ये क्रिएट करेगा रीजन इसका अगर आप देखेंगे ये गुरुदेव यहाँ पे होंगे तो सीधा यहाँ से शु, शुक्र को कनेक्ट करते हैं नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करते हैं नॉर्थ से साउथ को सीधा सीधा दृष्टि जाती है नॉर्थ ये साउथ की राशि है ये नॉर्थ की राशि है अगर आप देखें यहाँ पे तो गुरुदेव जब यहाँ पे आएंगे जब गुरुदेव नॉर्थ में आए गोचर में नहीं गोचर सर पहले ठीक था नहीं सर आपका पहले ठीक था पच्चीस ही आएगा ग्यारह वाली जगह पच्चीस आएगा छब्बीस में क्योंकि वो एक आगे चला जाएगा ना प्रोग्रेशन थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आएगा तब भी ये, ये एक पॉसिबिलिटी है जब गुरुदेव को कनेक्ट करेंगे क्योंकि गुरुदेव यहाँ से अगर आप लगाएंगे तो गुरुदेव सीधा यहाँ से शुक्र को कनेक्ट करेंगे

अब यही चार्ट को हम लेते हैं लेट मी चेंज द्लैनेट इन दिस चार्ट क्या यह स्क्रीन विजिबल है ओके आई एम डिलीटिंग दिस सबको नॉर्थ साउथ क्लियर होंगे अब ओके, okay. राइट right. ये शुक्र बिठाया हमने यहां से और ये लाइन बिठा दी चलिए लेट्स स्टार्ट इट स्टार्ट यहां पे फर्स्ट हाउस में हम लिखते हैं यहां पे फर्स्ट राशि में यहां पे लिखते हैं राहु को राहु अगर ईस्ट में है तो यहां पे भी ईस्ट में राहु आ गए ठीक है में केतु अगर यहां पे आ गए तो इसके अपोजिट आएंगे केतु ठीक है बिल्कुल तो केतु को भी साथ साथ लिख देते हैं यहां पे हम तो यहां पे केतु आ गए साथ यहां लिख देते हैं केतु राइट चंद्रमा वेस्ट में यहां पे, चंद्रमा यहां पे वेस्ट में मून। तो पे भी हम वेस्ट में चंद्रमा को लिख देते हैं ठीक चंद्रमा के बाद शनि मंगल यहां पे आगे शनि यहाँ पे आ गए बंगल। मंगल मंगल नॉर्थ के अंदर आपने लिखे शनिदेव और यहाँ पे मंगलदेव आ गए ईस्ट में मंगलदेव ये थोड़े दिन में ना याद हो जाता है करते करते ये शुरुआत की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूं अदरवाइज ये याद हो जाता है फिर आ गए यहाँ पे गुरु सूर्य गुरु और बुध आ गए बुध आ गए यहाँ पे आ गए सूर्य एंड गुरु तो हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे हमारे आ गए वेस्ट में बुध ठीक है और नॉर्थ में हमारे पास आ गए सूर्य गुरुदेव क्या रह गए शुक्रदेव रह गए पे आ गए शुक्रदेव तो ईस्ट में आ गए यहां पे हमारे पास शुक्रदेव ठीक है जी ये चार्ट पूरा बन गया इसमें कोई प्लांट रहा तो नहीं एक बार देख लेना तो हमारे पास जो चार्ट बन गया इसमें हमारे पास नॉर्थ नौ... के अंदर हमारे पास आ गए शनि प्लस सूर्य प्लस गुरु ईस्ट में आ गए राहु मंगल और शुक्र साउथ में हमारे पास कोई प्लेनेट नहीं मिला हमें यहाँ पे साउथ खाली है और वेस्ट में हमें मिले यहाँ पे चंद्रमा बुद्ध और केतु ये तीन प्लेंट हमें वेस्ट में मिल गया ठीक है जी अच्छा यहाँ पे एक और है इस चार्ट के अंदर इस चार्ट में एक है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मंगल और सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है यहां पे मंगल और सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है राइट ये बात ठीक है ना? ना? हाँ हाँ। जब ओके जब मंगल सूर्य जब इस विघ्रदी के एक रूल के मुताबिक शनि सूर्य और गुरु का एक कॉम्बिनेशन है जो नॉर्थ में बनता है राइट अगर मंगल सूर्य ने को एक राशि परिवर्तन किया है तो मंगल को सूर्य रिप्लेस या सूर्य को मंगल रिप्लेस कर सकते हैं विच मीन्स मंगल सूर्य देव प्लस आ, को अगर हम हटा के मंगल देव लगा देते हैं वहां पे तो कॉम्बिनेशन like, विल मंगल गुरु ये ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ बिटवीन टू प्लान मंगल एंड सूर्य के इंटरचेंज होने से जो नॉर्थ का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं यहाँ पे और परिवर्तन में यहाँ पे लिखेंगे शनि मंगल गुरु का परिवर्तन यहाँ पे आ जाएगा अब इस नेटिव का पहली बात तो ये नेटिव का देश आता है सूर्य और गुरु इकट्ठा है यहाँ पे और शनि कर्म कारक भी है यानी कर्म कारक आत्म कारक जीव कारक तीनों प्लैट इकट्ठे हैं ये व्यक्ति का जन्म विघुनंदी का रूल कहता है कि एक ऊंची फैमिली में हुआ है बड़े स्तर के फैमिली के अंदर जो एक पैसे वाली है संपूर्ण है उस फैमिली में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है मंगल गुरु मंगल गुरु यहाँ पे हार्ट डिजीज कहां से आ रही है यहाँ पे हार्ट डिजीज आ रही है अगर नॉर्मल चार्ट कोई देखेगा व्यक्ति तो उसको मंगल गुरु का कोई कनेक्शन नहीं मिलता है लेकिन हमने बिगनंदी का रूल लगाया यहाँ पे और बिग्नंदी के रूल लगाने से हमें राशि परिवर्तन में हम प्लान को शिफ्ट कर देते हैं बिगनंदी में यानी कि शनि मंगल गुरु बन गया और शनि मंगल गुरु मंगल गुरु इज इक्वल टू हार्ट डिजीज इज इक्वल टू हार्ट डिजीज गुरु जो है श्वास का कारक है मंगल ब्लड का कारक है अगर ब्लड मंगल का कारक बिगन के अंदर हार्ट डिजीज को दर्शाता है एक बात दूसरी बात पच्चीसवें साल में पच्चीसवें साल के अंदर इस व्यक्ति के अः तारस राशि के अंदर तारस राशि में बोले तो वृषभ राशि के अंदर शनि देव का गोचर होगा कैसे अभी शनि देव कहां बैठे हैं इनके कर्क में कर्क से आप ढाई ढाई साल आगे बढ़ा दो से ड़ी ड़ी साल आगे बढ़ा दोगे तो साल के अंदर शनि देव इनके तारस राशि में एंट्री करेंगे जब पच्चीसवे साल के अंदर शनि देव इनके तारस राशि में एंट्री करेंगे वहां से सातवां एस्पेक्ट जो पड़ेगा वहां से अगर आप सीधा देखेंगे नॉर्थ में एस्पेक्ट जाता है डायरेक्ट सूर्य और गुरु पे डायरेक्ट एस्पेक्ट जा रहा है अगर आप देखेंगे द मूवमेंट शनिदेव इन साउथ सूर्य और गुरु पे डायरेक्ट एस्पेक्ट है और ये जो समय होगा ये इस व्यक्ति की रेपुटेशन प्रॉस्पेरिटी के लिए बढ़ेगा इस व्यक्ति के परिवार के लिए इसके लिए रेपुटेशन प्रॉस्पेरिटी का काम करेगा एंड इट्स अ एग्जांपल फॉर बिग्रुद्धि जैसे ही बिग्रुद्धी के अंदर आप ट्रांसिट या प्रोग्रेशन लगाते हैं और सीधा वो गुरु या सूर्य से कनेक्ट करते हैं ये प्रॉस्पेरिटी और रेपुटेशन को दर्शाता है सीधा सीधा मेक सेंस रोडा जी ये बात समझ में आई आपको आपको तो क्लियर होगा ये बात रोडा साहब से बताइए right. शनि इस टबे कर्क राशि में है राइट right? जब बच्चे, बच्चे का जन्म हुआ शनि देव का हम प्रोग्रेशन लगाते हैं शनि देव का प्रोग्रेशन कहता है ढाई साल में एक राशि परिवर्तन ढाई ढाई साल हम आगे बढ़ाएंगे शनि देव को तो शनि देव 25वें साल में तौरस राशि में पर, एंट्री करेंगे राइट right? तौरस राशि साउथ की राशि है साउथ की राशि में जैसी शनिदेव बैठेंगे उनकी सीधी दृष्टि जो जाएगा सीधा जो कनेक्ट बनेगा उनका एस्पेक्ट सातवानेट बनेगा सीधा नॉर्थ से और नॉर्थ के अंदर बैठे हैं सूर्य और गुरुदेव बैठे हैं द मूवमेंट शनिदेव का ट्रांजिट में या प्रोग्रेशन में कनेक्टिविटी सूर्य गुरु से बनती है दिस टाइम इज ए गुड टाइम फॉर रेपुटेशन एंड प्रॉस्पर्टी फॉर द नेटिव ही वो आगे बढ़ेंगे अट्ठाईसवें साल में जैमिनी के ऊपर जाएंगे जैमिनी पर जब जाएंगे जर्मनी पे जाते ही वो वहां पे जैमनी के अंदर आस्पेक्ट करेंगे शुक्र शुक्र को सीधा सीधा और चंद्रमा के ऊपर होंगे वो चंद्रमा पे होंगे शुक्र को आस्पेक्ट करेंगे और ये टाइम होगा इस व्यक्ति की शादी का टाइम क्रिएट करता है ये टाइम व्यक्ति की शादी का क्रिएट करता है जैसे ही शनिदेव फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये शनिदेव क्रॉस करेंगे आ, अपने अपने घर में आएंगे यानी कि कर्क के अंदर वापस आएंगे तो तीस साल क्रॉस करते ही जैसे ही आएंगे कर्क के अंदर तो कर्क में आते ही शनिदेव का कनेक्ट जो बनता है शनिदेव का कनेक्ट सीधा सीधा बनता है किससे शनिदेव कर्क राशि में बैठे हैं तो सूर्य एंड जुपिटर और कर्क राशि में दोबारा दोबारा मार्च से बनता है एक बात थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे शनिदेव ठीक है यहाँ पे जैसी शनिदेव आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते शनिदेव का जो कनेक्ट बनेगा वो बनेगा मंगल से राहु से मंगल से राहु से बनेगा ये टाइम जब आएगा शनिदेव जैसी मंगल और राहु से कनेक्ट करते हैं से कनेक्ट करते हैं ये टाइम उस व्यक्ति के प्रोफेशन के लिए थोड़ा तकलीफ दे काम बने होगा और ये व्यक्ति का प्रोफेशन उस टाइम पे थोड़ा हिलेगा क्योंकि जैसे ही मंगल राहु से कनेक्ट होगा गोचर में या प्रोग्रेशन में इस व्यक्ति की प्रोस्पेरिटी में डेंटिंग आएगी यहाँ दिक्कत आएगी और जब ये क्रॉस कर जाएगा दिस नेटिव जाएग विल एंजॉय द लाइफ विद प्रोस्पेरिटी एंड लिव विद दिस एंटायर लाइफ साइकिल ये अप टू दी एज ऑफ एटी ईयर्स ये कैसे निकल सकता है इसको हम आगे किसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे इस व्यक्ति की लाइफ साइकिल अच्छा लाइफ साइकिल बनता है अब इस व्यक्ति के, के केस में अगर हम देखते हैं यहाँ पे सूर्य सूर्य मंगल गुरु ये तीनों कनेक्टेड आपस में जीव कारक देह कारक और आत्म कारक इस व्यक्ति के पॉसिबिलिटी होती है देर इज ए पॉसिबिलिटी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग टू मेल चाइल्ड एंड इनका कनेक्टिविटी बनती है इस व्यक्ति की बुद्ध से केतु से और चंद्रमा से बुद्ध और केतु जीव कारक के बिल्कुल पीछे हैं और चंद्रमा एक ही साइन में है केतु के तो इसे कनेक्टिविटी बनती है तो देर इज ए हाई पॉसिबिलिटी क्योंकि इस व्यक्ति के जीव कारक के आगे भी और पीछे भी केतु बुद्ध बैठे हैं आगे शुक्र बैठे हैं चंद्रमा भी लाइन के अंदर आते हैं देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ वन फीमेल चाइल्ड फॉर दिस नेटिव अब ये व्यक्ति को हार्ट की समस्या जब हमने बात करी हार्ट के लिए वापस हार्ट पे आते हैं इस व्यक्ति का एक कनेक्ट आएगा जो, जो मंगल गुरु और सूर्य का कनेक्ट है सूर्य और गुरु तो इकट्ठे हैं मंगल क्यों कनेक्ट है क्योंकि राशि परिवर्तन है इसलिए मंगल कनेक्टेड है ये कनेक्टेड इनका है जब ट्रांजिट टा, के अंदर इपोग्रेशन में इस व्यक्ति के जीवन काल में जब आगे बढ़ेगा और देव कनेक्ट करेंगे जाके साथ में केतुदेव और शनिदेव दोनों इकट्ठे कनेक्ट करेंगे ये का हार्ट का क्योंकि इस व्यक्ति को दिक्कत आएगी हार्ट अटैक से रिलेटेड सर ये वाला कैसे आप बता रहे हैं और केतु का कनेक्ट जो हार्ट डिजीज में हो रहा है जब केतुदेव ट्रांजिट कर प्रोग्रेशन में केतुदेव अठारह अठारह महीने चलते हैं सेकंड राउंड ऑफ केतु हाँ। महीने चलेंगे, थारा थारा साल चलेंगे, हाँ। साल चल, चल, चलेंगे साल साल ठीक है, के ऊपर जब केतु देव कनेक्ट करेंगे चंद्रमा हाँ। और इस टाइम इस, इस योग पे कनेक्ट करेंगे मंगल गुरु शनि मंगल गुरु सूर्य के योग से कनेक्ट करेंगे ये टाइम जो होगा व्यक्ति के हार्ट अटैक का टाइम बनेगा